Hey guys, namaste, kem cho, welcome back to my YouTube channel ADP Vlogs. आपको वीडियो का टाइटल देख के पता तो चल ही गया होगा कि आज हम लोग उदयपुर के लिए निकल रहे हैं। गांधीनगर टू उदयपुर का डिस्टेंस करीबन 230 किलोमीटर का है। करीबन एक घंटा बाइक चलाने के बाद हमने यहाँ पे होटल पे बाइक रुकाई है कुछ चाय नाश्ता करने के लिए। करीबन एक और घंटा बाइक राइड करने के बाद हम लोग 8:30 के आसपास सामला जी टेम्पल पहुँच गए। ये सामला जी टेम्पल कृष्ण भगवान का बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर और बहुत ही पुराना मंदिर है, एक बार ज़रूर यहाँ आप आए। सामला जी से केवल 10 या 15 मिनट बाइक राइड करने के बाद हम लोग राजस्थान स्टेट में एंटर हो चुके हैं। करीबन समझिए आप 10 या 12 किलोमीटर ही डिस्टेंस है सामला जी से राजस्थान बॉर्डर का। गांधीनगर टू हिम्मतनगर का रास्ता था वो थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब था, और हिम्मतनगर टू सामला जी का रास्ता थोड़ा अच्छा था। लेकिन जैसे ही हम राजस्थान में एंटर हुए, रास्ता बहुत ही अच्छा है यहाँ का। आप सुबह सुबह निकले हो तो आपको ट्रैफिक भी कम मिलेगा। करीबन 11:30 से 12 के बीच में हम लोग उदयपुर पहुंच गए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फतेह सागर लेक है। ये उदयपुर का बहुत ही फेमस लेक है। रात को इसका नज़ारा और भी सुंदर हो जाता है। यहाँ पे लाइटिंग्स वगैरह करते हैं, और यहाँ पे आप अगर बोटिंग करना चाहो तो बोटिंग भी कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये।
ये जो आपको दिख रहा है वो करणी माँ का टेंपल है। करणी माँ टेंपल जाने के लिए आपको दो रास्ते हैं। पहला रास्ता आप चल के भी जा सकते हो और दूसरा रास्ता आप रोपवे से जा सकते हो। हमने रोपवे से जाने का डिसाइड किया है। यहाँ पे पर पर्सन 130 रुपीज़ रोपवे का चार्ज है, वो ऊपर जाने का और नीचे आने का दोनों टाइम का। यहाँ करणी माँ टेम्पल आने का टाइमिंग 5 से 7 के बीच का आप रखिए, क्योंकि आपको जो नाइट व्यू मिलेगा यहाँ से, आपको करणी माँ टेम्पल से आपको पूरा उदयपुर सिटी दिखेगा, लेक पिचोला दिखेगा, सिटी पैलेस दिखेगा, बहुत ही अमेजिंग व्यू आपको रात के टाइम ही ये देखने को मिलेगा। तो आप 5 से 7 के बीच ही यहाँ आइए। अभी आपको जो सामने दिख रहा है वो लेक पिचोला है और उसके बाजू में जो दिख रहा है वो सिटी पैलेस है। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है ये। मेरा कैमरा इस ब्यूटीफुल व्यू को जस्टिफाई नहीं कर रहा होगा, लेकिन आप बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल। ये जो आपको दिख रहा है ये एशिया का सबसे बड़ा फिश एक्वेरियम है। ये करीबन रात के 10:30-11 बजे तक ओपन रहता है। ये फिश एक्वेरियम फतेह सागर लेक के पास ही है। पूरा अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन है इसका। करीबन 500 से 600 टाइप की यहाँ पे फिशेज है और अंदर गेम जोन भी है। पर पर्सन 130 रुपीस एंट्री टिकट है फिश एक्वेरियम का।